नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल निकी ब्लॉग में। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का एक अपना ही महत्व होता है। तुलसी के पौधे को कल्याण और सुखी जीवन का प्रतीक माना जाता है। तुलसी पत्तों का इस्तेमाल पूजा पाठ में भी होता है दोस्तों, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। साथ ही औषधि के तौर पर भी तुलसी के पत्तों का महत्व है। यही कारण है कि आम तौर पर भारत के कई घरों में तुलसी के पौधे लगे हुए नजर आते हैं। ऐसे में आज हम आपको तुलसी पौधे के फायदे और इसे घर में रखने से लेकर बरती जाने वाली तमाम तरह की सावधानियों के बारे में बताएंगे दोस्तों। तुलसी के पौधे घर में कहाँ रखने चाहिए, कहाँ नहीं रखने चाहिए, तुलसी के पौधे किस दिशा में रखनी चाहिए, तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए आदि तमाम सवालों का जवाब आपको आज के इस विशेषांक में मिलेगा मित्रों। दोस्तों, तुलसी के पौधे को घर की छत पर कभी नहीं रखना चाहिए, इससे आर्थिक हानि होने की आशंका बनी रहती है। तुलसी के पौधे को घर की रसोई के पास रखना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, इससे घर के सदस्यों में चल रहे मन मुटाव, आपसी तनाव दूर होते हैं, सदस्यों में सामंजस्य बढ़ता है। दोस्तों, घर के आंगन में भी तुलसी का पौधा रखने से समृद्धि, धन संपत्ति की वृद्धि होती है। घर में अगर तुलसी का पौधा आपने रखा है तो उसकी रोज पूजा जरूर करें मित्रों। इससे घर में सुख शांति एवं नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्तियां जो है वो दूर होती है। तुलसी की पत्तियों को अगर तोड़ने की जरूरत पड़े तो सबसे पहले पौधे को हिलाना ना भूलें मित्रों, और बिना नहाए तुलसी के पत्ते कदापि भी ना तोड़े। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, एकादशी, संक्रांति, द्वादशी तिथि व शाम के समय तुलसी के पत्ते को कदापि नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा रविवार और मंगलवार को भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे को सूख जाना या मुरझा जाना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, तुलसी के पौधे के आसपास पवित्रता बनाए रखें, कूड़ा एवं गंदगी जैसी चीज वहां ना फैलाए। तुलसी के पौधे के सामने शाम को दिया जरूर जलाना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तुलसी का महत्व होता है। ऐसे में तुलसी की पत्तियों को हमेशा चबाने के बजाय जीभ पर रखकर चूसना ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। यही सही तरीका है मित्रों। तो उम्मीद है दोस्तों, आज की वीडियो में आपको तमाम आपकी जो जानकारियाँ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ एक लाइक करें। धन्यवाद।